सबसे अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, हल्का सा गर्दा आपके घर से निकलता है, लेकिन इनके घर से क्या निकलता है इसको आप देख सकते हैं। ये काला काला धुआं बिल्कुल मैंने कह सकते हैं कितना प्रदूषण और कितना कंडीशन खराब है। और ये पानी भी आता है वो कंपनी का, जो गैर सी बातें कोई भी कंपनी में अगर काम होता है तो केमिकल्स भी छोड़ा जाता है। तो देख सकते हैं गोसल खुलने का नाम नहीं ले रहा, यानी ये पानी भी जाम हो चुका है, इतना कंडीशन खराब है। ये पानी भी कंपनी से निकलता है, जो पानी निकल के जाता है खेतों में जाता है। ये पानी इनके खेतों में जाता है, आप देख सकते हैं कि खेतों की क्या कंडीशन हो सकता है। उसके बाद झारखंड के लोग पता नहीं यहाँ के हुक्मरान बेमतलब से हो चुके हैं। चल रहा कंपनी से पैसा सबको जाता है, सुनने नया स्थानीय प्रशासन पुलिस के अलावा लीडर्स के अलावा सुने राज्य के मुखिया के बहुत करीब है कोई जिला अध्यक्ष है, उनको भी अच्छा खासा पैसा जाता है। लेकिन चंद पैसों के लिए लाभ कमाने के लिए गाँव वालों को इस तरह मोदी मुँह में नहीं रखते। गोभी का पत्ता ये कोई लगा के नहीं लाया गया, अगर पत्ते पर हम तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद देख सकते हैं क्या कंडीशन है। और आम का पत्ता है और बहुत सारे, और ये पीने का पानी है। जो लोग इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा बाबू बहुत अपना पावर दिखा रहे हैं, लाठी डंडा के बोले बताऊँ तो बोले बड़ा बाबू रहे, चाहे किसी मैडम भी कल बड़ी चिल्लाई तो वो बोलेंगे अपना सब परिवार के साथ भोजन करने के बाद एक दिन ये पानी पी लीजिए, हम लोग आंदोलन को तोड़ देंगे। मैंने आपका जान जान है, आपका जीवन जीवन है, बाकी लोग जानवरों से बदतर की रहे सब कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल कल डीसी मैडम ने बहुत चिल्लाई इनके आंदोलन को लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी का हाल आज भी भारत देश में है। कंपनी यानी देश, देश यानी अमीर। तो ये पानी अगर बड़ा बाबू चाहे जो भी प्रशासनिक अधिकारी चाहे मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री सुनने में आया, पूर्व के मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान के मुख्यमंत्री तक भी शरीक हैं इस कंपनी के बैसम में। तो उनसे ये कहेंगे एक दिन सब परिवार के साथ जो आपका टेबल होता है भोजन करने का टेबल, वो क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल, उसमें सब परिवार के साथ इस पानी को पी लीजिए, हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे, हम लोग भी पी लेंगे जिंदा रहते हैं। बड़ा बाबू से यही कहेंगे जो अभी आगे पूरा नियम कानून झाड़ रहे थे और एस पी रहे चाहे डी सी रहे, बोलेंगे एक दिन ये पानी को पिया जाए। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज वार्ता का समय था, हम लोग पहले तो आंदोलन को दबाने के लिए चार साथियों का गिरफ्तार किया गया, तो उनको तो किसी तरह हम लोग अपना संगठन की शक्ति के आधार पर उनको छुड़ाएं थाना से। लेकिन फिलहाल आज वार्ता की बात थी और वार्ता शांतिपूर्ण नहीं होती, और मुझे लगता है कि पहली बार शायद कंपनी के ऊंचे अधिकारियों तक वार्ता जा रही थी, क्योंकि इससे पहले जब भी आंदोलन हुआ 6-7 बार हुआ है ऊंचे अधिकारी तक नहीं गए, क्योंकि बीच में जो कुछ ही गाँव के ही लोग हैं तो सभी जानते हैं कि अगर आज झारखंड की दशा है तो हमारे बीच के कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद रुपयों के चलते गांव वालों के भविष्य को बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोग आंदोलन के ऊपर तक लेकर नहीं गए हैं। और आज एक देखें कोई स्थानीय नेता है जो शायद विधायक के चुनाव लड़ते हैं, डीसी मैडम को अपना लेटर पेड में हमारा नाम इंगित करके लिखे कि हम बाहर से आकर यहाँ मैंने अराजकता फैला रहे हैं, जबकि हम लोग शांति से बैठे हैं, नियमितता से बात कर रहे हैं, यानी और यही अगर काम उनको ही करना था ये लोग हम लोग को बोरो क्लियर कह रहे हैं। तो पहला बात, हम लोग झारखंड के हैं, किसान आंदोलन को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया था, हम तो झारखंड के नाते तो आएंगे ही सपोर्ट करने के लिए, तो ये काम वो पहले करते हैं। उसके बाद देखिए वो ज्ञापन लेकर जो गए हैं 5 लोगों के साथ, वो बुढ़ाखाप गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी को ज्ञापन दिया है कोई लीडर है, नाम हमने लिया नहीं तो आज भी नहीं लेंगे। तो कितनी घटिया मानसिकता, कितनी संकीर्ण मानसिकता इन लोगों की है। एक तो ग्रामीण आंदोलन करें, ठीक है आप ही लोग आप आंदोलन को लीड करते हैं, आप तो आपके लोग पद में भी हैं पावर में भी हैं, तो वे लोग लीड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन सबको पैसा जाता है। लेकिन जब देखा कि हम लोग आ चुके हैं और जान ही रहा है कि राज्य में क्या स्थिति है, जहाँ हमारी टीम जाती है प्रशासन रहे चाहे पुलिस रहे, हम लोग सच बातों को सामने बोलते हैं, डीसी रहे चाहे एसपी रहे मुंह में खर्री खोटी बोलते हैं। तो जब हम लोग आए तब उनको भी वकी सुझाए, अभी डीसी को लेटर लेके जा रहा है, कोई कंपनी से मिल रहा है तो कोई गांव में मीटिंग कर रहा है, इससे पहले कोई करने वाला नहीं था। और करता भी था तो मैंने कंपनी के उच्च अधिकारी तक उनका फरियाद लेकर नहीं जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ उनको पैसा मिल जाता था और सेटिंग हो जाती थी। पहली बात चूँकि माताएँ बहने आगे थी और महिलाओं की शक्ति है कि आंदोलन ऊपर तक गया है और वार्ता ऊपर से होने वाली है, लेकिन बीच में प्रशासन के लोग रोरा पड़ रहे हैं और बीच में वे लोग भी मैंने अंदर गए हैं जो लोग कंपनी का पैसा खाते हैं, अंदर गए हैं काली काली गाड़ियों में देखे अंदर जाते हुए। और इस क्षेत्र को, जबकि आज तो आंदोलन का विषय ही नहीं था, आज तो हम लोग वार्ता के लिए आए थे, कंपनी के सामने हम लोग नहीं बैठे, आज जो वार्ता चाहे होने वाले थे हम लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस भर दिया गया। सबसे मजे की बात है जब पुलिस स्टार्टिंग में थी तो केवल पुरुष पुलिस थे, लेकिन देखा महिलाओं की संख्या है तो उनके हाथ में भी लाठी थमाकर महिला पुलिस भी आ गई है। तो इसका क्या संदेश देख सकते हैं कि भारत देश में कंपनी ही देश का देश है और देश ही कंपनी है, या फिर आम व्यक्ति कोई है इस देश में,
अगर है तो हमेशा लाठीचार्ज के उद्देश्य से ही पुलिस क्यों आती है? आज भी वो लाठीचार्ज के उद्देश्य से ही है। उनके प्रत्येक प्रशासन उनके हाथ में लाठियां हैं, महिला पुलिस भी बुला लिया गया है क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो आप इसका निर्णय राज्य की जनता करे, इस प्रकार अन्याय यहाँ के लोगों के साथ हो रहा है। भारतीय संविधान आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और प्राइवेसी की बात करता है, उसमें एक आम व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं आप देख सकते हैं। ये पानी, इस पानी को किस तरह लोग पिएंगे? ये गांव का सबसे शुद्ध पानी है, इससे ज़्यादा शुद्ध पानी गांव में नहीं मिलता है। डीसी मैडम रहे, चाहे एसपी साहब रहे, या फिर अन्य अधिकारी रहे, या फिर जो लोग राजनीतिक लोग पैसा खाकर गाँव वालों को मौत के मुँह में धकेल रहे हैं, उनसे यही कहेंगे एक दिन डाइनिंग टेबल में बैठ के सब परिवार इस पानी को पी लीजिए, हम लोग आंदोलन को छोड़ देंगे। और ये खेतों में जाने वाला केमिकल है, ये खेतों में जाता है। अब खेतों की क्या स्थिति होगी? एक किसान गांव है, कृषि पर आधारित गांव, क्या कंडीशन होगा गांव का आप देख सकते हैं। और ये चावल का तो फिर यही चावल गांव वाले खाते हैं, सब्जियां हैं, गांव के पत्ते हैं, और ये गांव के घर से निकलने वाला जो हम लोग गर्दा बोलते हैं, इस कंडीशन में आज ये गाँव है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ इंसाफ तो खैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन भले आपके हैं भारत संवैधानिक देश से खूबसूरत है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लचीला होगा, चलाने वाला पे निर्भर करेगा। तो फिलहाल भारत का संविधान चोर उचक्के चला रहे हैं, सारे पे चला रहे हैं, कंपनी को कोई आवास भी नहीं है कि मैंने धरातल पर हो क्या रहा है। तो आज बहुत मैंने कह सकते मौत के साये में गाँव वाले जी रहे हैं। और हम क्या बताएंगे, आप धीरज बाबू का फोटो देखे होंगे, आपकी सूचना आपको मिली होगी, 8 साल का एक बच्चा किस प्रकार मौत के मुंह में चला जाता है प्रदूषण के कारण, और एक बच्चा उसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है। तो ना जाने अगर इस कंपनी को नियंत्रण में नहीं किया जाता है प्रदूषण को, या फिर कंपनी को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो आने वाला भविष्य में ना जाने ऐसी कई मौतें आपको देखने को मिलेंगी। फिर एक न्यूज बनेगा, फिर कुछ संवेदना की बातें कह जाएंगी, मुख्यमंत्री रहे या फिर क्षेत्र के स्थानीय विधायक रहे, कुछ बातें कहेंगे, संवेदना के परिवार को 10,000 मैंने श्राद्ध के लिए खर्च दे दिया जाएगा, एक आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन फिर फाइलें बंद हो जाएंगी। फिर 1-2 साल बाद फिर कोई नया, चाहे महिला रहे, पुरुष रहे, या फिर बच्चा रहे, मौत के मुंह में आएगा। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इस कंपनी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, या पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर भारत वास्तव में संवैधानिक देश है, और राज्य के मुखिया को लगता है कि वास्तव में वो राज्यवासी का भला चाहते हैं, तो इस पर फौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बहुत दुख और गंभीर विषय है। और अगर इस विषय से अगर निजात नहीं मिलता है, तो हम लोग जो भी आंदोलन के लिए बातें हैं और आंदोलन करेंगे, भले जान जाए, ऐसे भी जान जा रही है, गांव में रहकर जान रही है, या फिर आंदोलन करके जान दे दीजिए। अगर आंदोलन करके दीजिएगा तो चलिए कम से कम एक सांत्वना रहेगा, एक तसल्ली रहेगी कि चलिए हमने लड़ने का तो प्रयास किया था, इस अन्याय से लड़ने का प्रयास किया था। लेकिन अगर रहे रहे आंदोलन नहीं भी करते हैं, तो 1-1.5 साल 2 साल में कोई ना कोई नई जान जाएगी। ये लिख लीजिए, पशु पक्षियों की तो गिनती मत कीजिए, आप उस गांव से गुजरेगा तो कहीं कौवा, कहीं मैना, कहीं तोता, जो भी पशु पक्षी आए वो मृत अवस्था में, मैंने सैकड़ों की तादाद उन जंगलों में मिलेंगे जो आसपास में हैं। तो ये कंडीशन फिलहाल आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आज रामगढ़ जिला के मांडू विधानसभा अंतर्गत मांडू ब्लॉक के पुरा खाप गाँव में ये अन्याय देखने को मिला। तो ये फैसला आप लोग करें। जोहार बेटा।